देखिए, ये है हमारा लास्ट लेसन ईवीएस की बुक का। क्या है हमारा लेसन? सन मून एंड स्टार्स। सभी जानते हो ये सब तो। सन यानी सूरज, जो दिन में निकलता है वो सन, जिससे हमको क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। एम डब्ल्यू एल मून, मून यानी चंद्रमा, एंड यानी और, स्टार यानी तारे। तो देखिए, सन मून एंड स्टार्स यानी सूर्य चंद्रमा और तारे। तो देखो, सूर्य चंद्रमा और तारे ये हमारा लेसन है, हम इसको रीड करते हैं पहले। तो आप इसके लिए अपनी बुक ओपन कीजिए, और इसके लिए आप ओपन कीजिए पेज नंबर अपनी बुक का। कौन सा ओपन करोगे? पेज नंबर आपको ओपन करना है 68, पेज नंबर 68, सन मून एंड स्टार्स। तो देखिए, रीड करते हैं हम हमारा लेसन। तो देखिए, आप रीड कीजिए मेरे साथ। अर्थ, ई ए आर टी एच, अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, इज यानी है, आवर यानी हमारा, जी एल ओ वी ग्लोब, पृथ्वी हमारा क्या है? ग्लोब है। तो देखिए, ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? ये अर्थ है पूरी गोल, है ना? पृथ्वी क्या होती है? पूरी गोल। तो ये अर्थ है और ये क्या है? ग्लोब। आपने देखा होगा स्कूलों में रखा रहता है टेबल पर, ऑफिस में ग्लोब। तो ये ग्लोब क्या करता है? हमें ये ग्लोब सारी जानकारी देता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पर वो, कहाँ हमारा पीने योग्य पानी है पृथ्वी पर, कहाँ रहने योग्य जगह है, कहाँ पृथ्वी पर पानी भरा हुआ है, कहाँ पृथ्वी पर पहाड़ है, वो सारी चीजें हम इस ग्लोब से देख सकते हैं। ये पृथ्वी का एक छोटा रूप है, यानी पृथ्वी को इससे दर्शाते हैं ग्लोब से, है ना? तो ये हमारी क्या है? ग्लोब। और ये हमारी पृथ्वी है। देखो कैसे रंग की दिखाई दे रही है पृथ्वी आपको? नीले रंग की है ना, क्योंकि पानी भरा हुआ है इसलिए। तो देखिए, अर्थ इज अवर ग्लोब, पृथ्वी हमारा ग्लोब है। तो देखो, वी ऑल लिव, हम सब कहाँ रहते हैं? इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ऑन यानी पर, अर्थ यानी पृथ्वी पर, हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। द अर्थ यानी पृथ्वी इज कवर्ड यानी ढकी हुई है, कवर यानी क्या बोलते हैं? ढकी हुई है। विद लैंड, लैंड यानी धरती, एंड वाटर और पानी से, पृथ्वी पर क्या है? धरती है और पानी है, यानी रहने योग्य जमीन है, भूमि है और पानी है। द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब क्या है? पृथ्वी के मॉडल को बताता है, यानी कोई भी चीज होती है, हमने जैसे घर है तो घर का एक नक्शा बना दिया, फिर हमने दिखाया ये हमारा घर है, तो ये घर थोड़ी ना है, ये घर का एक नक्शा है। तो इसी तरह ग्लोब भी पृथ्वी थोड़ी ना है, लेकिन पृथ्वी को दर्शाता है कि ऐसी हमारी पृथ्वी है ग्लोब। आवर अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो पृथ्वी है वो क्या करती है? सन से, सूरज से। पृथ्वी को किससे मिलती है रोशनी और ताप? सन से। देखो, सन इतना बड़ा होता है, इतनी रोशनी देता है सन हमें, हम सन हमसे काफी अरबों किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद भी 50, जैसे हम काफी सारी लाइट जला दें, जब भी इतना उजाला नहीं होता जितना वो अकेला सन करता है। तो देखो, सूरज से हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, और क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। द सन, सन यानी सूरज, क्या करता है सूरज? द सन राइजेज यानी उगता है, कहाँ उगता है सूरज? इन द मॉर्निंग, सुबह उगता है, और कहाँ उगता है? इन द ईस्ट यानी पूरब में, सूरज सुबह पूरब में उगता है। देन यानी तब, डे बिगेंस, तब क्या होता है? दिन शुरू होता है, जब सूरज उगता है, जब क्या होता है? दिन शुरू होता है। द सन इज वेरी बिग, सूरज बहुत बड़ा है, सूरज कैसा है? बहुत बड़ा। देखिए, सन क्या है? बहुत बड़ा है। द सन इज वेरी बिग, सन यानी सूरज, वेरी बिग यानी बहुत बड़ा, सूरज कैसा है? बहुत बड़ा है। इट इज ए बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज, हॉट यानी गर्म, गैसेज यानी गैसों का, बहुत सारी गैसें होती है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस होती है जो हम लेते हैं ना सांस में, वो ऑक्सीजन गैस होती है, और जो हम अपनी नाक से सांस के जरिए बाहर निकालते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह की बहुत सारी गैसें होती है। तो क्या होता है? सूरज एक गर्म गैसों का गोला है। इट लुक्स वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है सूरज हमको छोटा? क्योंकि द सन इज द मेन, सॉरी, बिकॉज इट इज वेरी फार, क्योंकि ये बहुत दूर है। क्या है सन हमसे? बहुत दूर है। अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है सन। क्या है?
हमसे बहुत दूर है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सूरज ही सबसे बड़ा उजाले का और गर्माहट का स्रोत है, यानी सोर्स यानी होता है स्रोत, मेन स्रोत क्या है रोशनी का और गर्मी का, पृथ्वी पर सूरज, सूरज से ही हमें इतना ताप मिलता है और सूरज से ही हमें रोशनी मिलती है। द सनसेट्स इन द इवनिंग, सूरज कब अस्त होता है शाम को, सनसेट यानी अस्त होता है, इन द इवनिंग शाम को, इन द वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम में, देखो फोर वो होती है हमारी डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार डायरेक्शंस होती है ना हमारी, यानी चार दिशाएं होती है, ईस्ट पूरब वेस्ट पश्चिम नॉर्थ उत्तर साउथ दक्षिण, तो ये क्या होती है हमारी चार दिशाएं हैं, तो इनमें से सूरज जो उगता है वो कहाँ उगता है राइज कहाँ होता है सन, सन होता है ईस्ट में, और सेट कहाँ होता है वेस्ट में, यानी पश्चिम में छिपता है और सूरज ईस्ट में निकलता है, तो देखो तब ईस्ट में निकलता है तब क्या होता है दिन होता है, और जब वेस्ट में जाता है सूरज तब रात होती है। Then day is finished and night begins. जब सूरज अस्त हो जाता है पश्चिम में तो क्या होता है दिन समाप्त हो जाता है और रात शुरू हो जाती है, तो देखो फिर क्या होगा। द मून, मून यानी चंद्रमा, अब देखो मून क्या है पूरे, मैंने बताया था ना पूरी दुनिया में एक ही होता है इसलिए इसके पहले द आर्टिकल लगा है। द मून इज राउंड, सूर्य चंद्रमा कैसा होता है राउंड यानी गोल, चंद्रमा कैसा होता है गोल होता है। इट इज स्मॉलर देन द सन, ये सन से यानी सूरज से छोटा होता है, जो चंद्रमा होता है वह सूरज से क्या होता है छोटा होता है। द मून शाइन्स एट नाइट, शाइन यानी चमकता है, मून यानी रात को, सॉरी मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा रात को चमकता है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन नाइट लाइट, ये स्वयं अपनी रोशनी से नहीं चमकता, किससे चमकता है इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, ये सूरज की रोशनी से चमकता है। द मून चेंजेज इट्स शेप एवरी नाइट, मून की जो क्या होती है शेप होती है ना साइज, यानी आज गोल है फिर हाफ हो जाता है, तो मून की चेंज क्या, मून की साइज क्या होती है हर दिन चेंज होती है, घटता रहता है मून, घटता बढ़ता रहता है। देखो अमावस्या के बाद तो मून वो हो जाता है, क्या हो जाता है वो घटना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा आती है ना तब तक पूरा बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा पे पूरा चांद दिखाई देता है और अमावस्या पे चांद लुप्त हो जाता है। तो देखिए द स्टार्स यानी तारे, तारे क्या करते हैं वी सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, तारे क्या होते हैं हम तारों को रात में चमकते हुआ देखते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी आकाश में अरबों तारे हैं, अरबों खरबों तारे हैं आकाश में जिनको हम गिन नहीं सकते। सम स्टार्स लुक बिग, कुछ तारे तो बहुत बड़े दिखाई देते हैं एंड देन कुछ छोटे, और कुछ क्या दिखाई देते हैं सम स्टार्स लुक स्मॉल, कुछ तारे छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, तारे अपनी स्वयं की रोशनी से चमकते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वे हमसे बहुत दूर हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ, अब आप कीजिए इसकी वर्ड मीनिंग। तो देखिए वर्ड मीनिंग फर्स्ट, WORD 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 means शब्द, MEANINGS meanings, meanings यानी उनके अर्थ, देखिए शब्द और उनके अर्थ। फर्स्ट स्पेलिंग देखिए, SUN sun, sun means सूर्य, क्या होता है sun means सूर्य। MOON moon, moon means चंद्रमा, moon means क्या होता है चंद्रमा। STAR star, star means तारे, और NIGHT night, night means रात। FAR far, far means दूर। EARTH earth, earth means पृथ्वी। HOT hot, hot means गरम। LIGHT light, light means रोशनी। और EAST east, east means पूरब। ये आपकी वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गई है, इन्हें अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, फिर हम हमारी बुक फिल करेंगे। देखिए हमने वर्ड मीनिंग की कर ली, लेसन रीड कर लिया, अब करेंगे बुक फील। तो देखिए अब फील करने के लिए आपको लिए पेज नंबर 69 अपनी बुक का। तो देखिए ग्लोब इज द मॉडल ऑफ, मैंने बताया था ग्लोब किसका मॉडल है अर्थ का, अर्थ सन मून या किसका मॉडल है अर्थ का। तो फर्स्ट लिख दीजिए अर्थ, अर्थ के सामने राइट का टिक मार्क कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, द सन इज ए बिग बॉल ऑफ, यानी सूरज किसका बड़ा, किसकी बड़ी बॉल है, हॉट गैसेज की, हॉट गैसेज की, गर्म गैसों की बड़ी गेंद के जैसा है सन, तो हॉट गैसेज, फर्स्ट में लिखिए हॉट गैसेज। नेक्स्ट देखिए, द मून इज, सन कैसा है, राउंड स्क्वायर ट्राइंगल, कैसा है, राउंड, तो क्या फील करोगे, राउंड। R-O-U-N-D, राउंड। जबकि MCQs कंप्लीट हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब करेंगे ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स करने के लिए आप लोग पेज नंबर ओपन कीजिए 70। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ इज आवर अबोड, तो देखिए क्या है, पृथ्वी हमारी अबोड, तो देखिए राइट है रॉन्ग है, तो देखिए कीजिए इसको, तो ये है राइट, बी का फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, तो देखिए ग्लोब जो है वो क्या है, पृथ्वी का मॉडल, तो ये सही है। थर्ड देखिए, द सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है वो कहाँ, पश्चिम में तो क्या होता है, उगता है, और उसमें पूरब में छिपता है, तो ये बात रॉन्ग है, इसका बिल्कुल विपरीत है सन के साथ, कि वो ईस्ट में तो उगता है और वेस्ट में छिपता है, जबकि बात रॉन्ग है। द सन डज नॉट गिव अस हीट एंड लाइट, कि सूरज हमको रोशनी और उजाला नहीं देता, गर्माहट नहीं देता है, तो ये गलत बात है, देता है वो। फिफ्थ देखिए, द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, यानी जो तारे होते हैं वो खुद की रोशनी से चमकते हैं, तो ये बात सही है, तारे खुद की रोशनी से ही चमकते हैं, मून सन की से होता है, तो ये आपके हुए ट्रू फॉल्स। अब करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स, आप ब्लैंक्स फिल कीजिए, सी वाला आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, द ग्लोब इज द ब्लैंक्स ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब जो है वो किसका, वो है पृथ्वी का, क्या है ग्लोब, मॉडल, तो क्या लिखेंगे इसमें, मॉडल, MODEL, मॉडल। नेक्स्ट देखिए, द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट, सूरज कहाँ उगता है, पूरब में, कहाँ उगता है, पूरब में, राइजेज यानी उगना, RISES। नेक्स्ट देखिए, मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ, चंद्रमा की लाइट से कौन वो होता है, सॉरी मून सन की लाइट से चंद्रमा चमकता है, तो सन आएगा इसमें, SUN। नेक्स्ट देखिए, वी सी द स्टार सेट, हम तारों को कब देखते हैं, नाइट में, तो क्या आएगा इसमें, नाइट, रात में दिखते हैं ना तारे, तो NIGHT, नाइट। ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट, आप इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिए, फिर हम हमारे क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, WHAT व्हाट वर्ड मिस क्या, ISIS इज मिस है, एक ग्लोब, यानी एक ग्लोब क्या है, तो देखो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। व्हाट इज सन, सूरज क्या है, तो देखो सूरज क्या है, सन इज बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज, सन क्या है, एक गैसों का, गर्म गैसों का एक बड़ा गोला है या बड़ा बॉल है।
Who gives us heat and light? हमें ताप और रोशनी कौन देता है? तो देखो कौन देता है हमें ताप और रोशनी? सन। When do we see the stars? हम तारे कब देखते हैं? तो देखो तारे कब दिखाई देते हैं हमें? नाइट में, तो एट नाइट। राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वाई 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 मीन्स क्यों? द स्टार्स यानी तारे, लुक यानी दिखाई देते हैं, एस एम ए डबल एल स्मॉल यानी छोटे, तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो देखो तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बी सी ए यू एस ए बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, टी एच यू आई दे यानी वे, आर यानी है, वी आर में वेरी वेरी यानी बहुत, एफ ए आर यानी दूर, फार यानी दूर। तो देखो बिकॉज दे आर वेरी फार, क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए हमको कैसे दिखाई देते हैं? छोटे।